वाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र लावा चौक में शुक्रवार को एक कार में अवैध शराब तस्करी करने वाले दो शराब तस्करों को वाड़ी पुलिस ने धर दबोचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी माहुजरी निवासी दशरथ अशोक मनोहरी उम्र 35 टेकड़ीवाड़ी निवासी सूरज निरंजन वानखेड़ी बताए गए। डीबी के पुलिस हवलदार सुनील मस्की कस्पर थे। दौरान मारुति 800 क्रमांक MH31Z9893 से अवैध शराब की तस्करी होने की गुप्त जानकारी मिली। वाहन की जांच करने पर 7 देसी शराब की पोटियां दिखाई दी। कार के साथ दोनों आरोपी को थाने लाया गया। देसी भिंगरी शराब की 7 पेटी की कीमत 20,161 रुपए, मारुति कार कीमत 90,000, कुल 1,10,160 का माल जब्त किया। दोनों आरोपी के खिलाफ धारा 65E 66B शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। PI प्रदीप सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में PSI साजिद अहमद, पुलिस हवलदार सुनील मस्त, प्रदीप सतीश, ईश्वर राठौर, हेमराज बिरार, प्रमोद सोनानी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।